Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do a subsection of Unit 2. Unit 2 is from Block 1 MPCE 012, that is MAPC second year clinical psychology students. This video is for you. I have already made two videos from this unit. This is the last video and link to all the videos you will get in the description section, so kindly check the description section for the remaining videos from this unit. So let us start with today's topic. Today's topic is direct observation and self-monitoring. Rest of the topics I have already made. Before I start, I would like to request you guys to please subscribe my channel, share this video and like and comment. Also, if possible, do not skip the ad, since that benefit would go to underprivileged students. So let us start with today's topic. Today's topic is direct observation. Direct observation and self-monitoring, this we are going to do today. जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन यानी जो हम डायरेक्टली देख के करते हैं. जब ट्रेंड ऑब्जर्वर किसी एक्ट को डायरेक्टली देख रहा होता है, ऑब्जर्व कर रहा होता है, तो उसको हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन का नाम देते हैं. ये कोई क्लिनिशियन भी कर सकते हैं, प्रोफेशनल स्टाफ भी कर सकता है, कोई पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर भी कर सकता है, जिन जो ऑलरेडी क्लाइंट के कॉन्टैक्ट में है. इस तरह का कोई इंसान जिसको क्लाइंट जानता है, जिससे क्लाइंट की फ्रेंडशिप है, यानी आप क्लाइंट के फ्रेंड को भी बोल सकते हैं अगर दैट पर्सन इज़ जेन्युइन. तो जो ऑब्जर्वर्स हैं, वो जितने भी इंस्टेंसेस हैं जिसमें टारगेट बिहेवियर होता है, उसको वो रिकॉर्ड करता है और देखता है कैन उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बार हो रही है उस इवेंट की, यानी कि वो जो बिहेवियर वो कितनी बार हो रहा है उसको वो नोटिस करता है. जब ये ऐसे इंस्टेंसेस हम जो बहुत बारी हो रहे होते हैं या रिपीटेडली बिहेवियर हो रहा होता है, उसको जब हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो ऑब्जर्वर की जो अनड्यू डिमांड्स है उस पे हम ध्यान दे सकते हैं कि वो कब होता है वाला बिहेवियर. और अगेन ये एक और चीज़ है इसमें कि जो जितने भी इंस्टेंसेस पे रिकॉर्डिंग हो रही है हाई फ्रीक्वेंसी रिपीटेटिव बिहेवियर्स को, ये ऑब्जर्वर पे एक थोड़ा सा जोर भी हो जाता है इसका. एक ऑप्शन एक और है, अगर क्योंकि ऑब्जर्वर कॉन्स्टेंटली कितनी देर तक किसी क्लाइंट को देखता रहेगा, परेशान हो जाएगा, खुद बीमार पड़ जाएगा, तो उसके लिए एक और तरीका है, उसको बोलते हैं ब्रीफ ऑब्जर्वेशन पीरियड. ब्रीफ ऑब्जर्वेशन पीरियड में जैसे कि इन्होंने एक एग्जाम्पल बताया, मान लीजिए पेरेंट्स जो हैं उनको बोला जाएगा कि आप रिकॉर्ड करिए इसके इस टारगेट बिहेवियर की फ्रीक्वेंसी को कुछ इंटरवल्स पे, कि एक घंटे में कितनी बार किया, अगले घंटे में कितनी बार किया, या पाँच घंटे में कितनी बार वो एक्टिविटी हुई है. इस तरह से हम स्पेसिफिक सिचुएशन का नोट डाउन कर सकते हैं, वो बिहेवियर कितनी बार हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी देख सकते हैं. जो टारगेट बिहेवियर है, अगर एक ऑनगोइंग रेस्पॉन्स है, तो ऑब्जर्वर मे बी मोमेंटरी सैम्पलिंग प्रोसीजर्स भी यूज़ कर सकता है और पीरियोडिकली चेक कर सकता है उसको कि वो बिहेवियर अकर हुआ है कि नहीं हुआ है. सो इस तरीके से भी कर सकता है. की कैरेक्टरिस्टिक्स जो आप डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और रिकॉर्डिंग में देखेंगे, बिहेवियर की रिकॉर्डिंग में, वो क्या क्या है. बिहेवियर जो है वो नेचुरल सेटिंग्स में ऑब्जर्व किया जाएगा. बिहेवियर को रिकॉर्ड किया जा सकता है या कोड भी किया जा सकता है. कोड करना मतलब कि अपने तरीके से उसको लिखना मेन्यू स्क्रिप्ट्स में, सो दैट वो बहुत डिटेल्ड ना हो, उस तरीके से लिखना, जैसे हो रहा है उसी तरीके से लिखना. इम्पार्शियल होना चाहिए, जो भी रिकॉर्डिंग हो रही है वो मतलब सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्टिवली करना होगा ऑब्जर्वेशन. ऑब्जेक्टिवली मतलब एक रैशनल थिंकिंग रख के, अपने खुद के जजमेंट्स थोपना नहीं है उस बिहेवियर के ऊपर. और ऑब्जर्वर जो है वो ऑब्जेक्टिव रिकॉर्डिंग करेगा. बिहेवियर को डिस्क्राइब करेगा क्लियरली और क्रिस्प टर्म्स में, और जिसको कोई इंटरफेरेंस जिसमें ना हो ऑब्जर्वर की, उस हिसाब से. अब अगर हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन का डिसएडवांटेज देखें, तो ये क्या क्या है. एक तो ये कॉस्टली है, दूसरा टाइम कंज्यूमिंग है, और अगर हम मल्टीपल ऑब्जर्वर लगा लें तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उससे क्या होगा कि एक ऑब्जर्वर ने जो देखा, हो सकता है दूसरे ऑब्जर्वर ने कुछ और देखा हो, और कॉन्कॉर्डेंस की चांसेस
सही होती है, मतलब कि जितने भी ऑब्जर्वर हैं जब आपस में बैठ के अपने पॉइंट देंगे या बताएंगे तो कॉमन पॉइंट जो होगा वो सच माना जाएगा, सब्जेक्टिव बायसेस नहीं आएंगे उसमें, इसीलिए हमें मल्टीपल ऑब्जर्वर रखने से फ़ायदा होता है। रिलायबिलिटी जो ऑब्जर्वेशन की होती है वो भी बढ़ जाती है इससे, और जब ऑब्जर्वर को पता होता है कि डेटा चेक होगा तो वो और कॉन्शियसली काम करता है। ये मे बी प्रैक्टिकल ना हो क्योंकि क्लिनिकल सेटिंग में पर्टिकुलरली, लेकिन जब पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर होता है, ये पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर का थोड़ा कम कॉस्टली पड़ेगा क्योंकि वो वहीं पे पार्टिसिपेट करेगा, उसी कम्युनिटी से बिलोंग करेगा, तो आसान हो जाता है बहुत सारे केसेस में। एक रिएक्टिव इफेक्ट भी देखने के लिए मिलता है। रिएक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है जब जो परफॉर्मर है, जो बिहेवियर करता है पर्सन या क्लाइंट है, क्लाइंट को जब ये पता चलता है कि उसके ऊपर नज़र रखी जा रही है तो वो जो फ्रीक्वेंसी होती है उस टारगेट बिहेवियर की वो कम हो जाती है, और इवन टारगेट बिहेवियर ज़्यादा ऑल्टर होके किया जाता है। सो असेसमेंट प्रोसीजर ठीक से नहीं हो पाता और उसके रिजल्ट में चेंजेस आने लगते हैं। कुछ एथिकल रीजंस भी हैं इसके पीछे, क्योंकि हम बिना कॉन्सेंट के, क्लाइंट के बिना कॉन्सेंट के उसका उस पर ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते, ऑब्जर्वेशनल असेसमेंट नहीं हो सकता उस पर। तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन जब भी होता है, लोगों को पता होता है कि उनके ऊपर कोई नज़र रख रहा है, तो वो उस पर किसी अजीब तरीके से भी रिएक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है हम देखें तो। कभी कभी कुछ सोशल डिज़ायरेबिलिटी की वजह से भी जो बिहेवियर है क्लाइंट का वो भी अलग से होगा, और हो सकता है वो लोगों के सामने वो बिहेवियर शो ही ना करे। जब उसको पता चले कि ही इज़ ऑन दी वॉच तो हो सकता है दैट पर्सन वुड नॉट शो द एक्चुअल बिहेवियर, नेचुरल बिहेवियर ही नहीं आएगा इस वजह से। सो ये सारी चीज़ें इसमें देखी जा सकती हैं डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में। जो इंडिविजुअल्स हैं पॉपुलेशन के, वो हो सकता है रिप्रेजेंटेटिव ना हो उस पर्टिकुलर बिहेवियर के, क्योंकि हर एक पर्सन अपने एक पर्टिकुलर कल्चर या ग्रुप से बिलोंग करता है। सो हो सकता है इसीलिए हमारे पास जो जनरलाइजेबिलिटी है वो नहीं है हमारे पास। उसकी जो भी बिहेवियर पर्सन शो करेगा उसको हम कोरिलेट नहीं कर पाएंगे किसी और एक्टिविटी से, ऑल बिकॉज ये इसका डेटा, सेम डेटा हमारे पास अवेलेबल ना भी हो। तो लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन स्टडीज़ भी की जा सकती है। तो एक्सटर्नल वैलिडिटी की जो प्रॉब्लम होती है वो रिजॉल्व हो जाती है जब हम लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन स्टडीज़ करते हैं पेशेंट के ऊपर। टाइप्स ऑफ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कौन कौन से हैं? दो कॉमनली यूज जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है, एक है कंटिन्यूस मॉनिटरिंग। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग अगेन नाम से ही पता चल रहा है कि वो रिकॉर्डिंग है जहाँ पे सब्जेक्ट को कंटिन्यूसली ऑब्जर्व किया जाएगा। मैनुअली भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकता है, बहुत तरीके से भी हो सकता है, मैनुअली एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिकली। उसका बिहेवियर किन किन सिचुएशन में होता है ऐसा, यह ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में ज़्यादा देखा गया है, जैसे कि किसी की इंसान की परफॉर्मेंस को चेक करना, और ये होथोर्ने इफेक्ट भी कहते हैं इसको। आई एम नॉट श्योर इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, होथोर्ने इफेक्ट। ये क्या कहता है होथोर्ने इफेक्ट? ये कहता है जो वर्कर्स हैं वो जब उन्हें ये पता चलता है कि उनके ऊपर वॉच किया जा रहा है तो बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली प्रोडक्टिवली एक्ट करते हैं, काम करते हैं, और अपनी प्रोडक्टिविटी उनकी इंक्रीज हो जाती है, ऑल बिकॉज उन्हें पता है कि उन पर नज़र रखी जा रही है। इसको बोलते हैं होथोर्ने इफेक्ट। सो ये जो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग है ये एजुकेशन फील्ड में यूज़ हो सकती है, जैसे कि टीचर स्टूडेंट का इंटरेक्शन को वॉच करने के लिए। न्यूट्रिशन के ब्रांच में भी यूज़ हो सकती है, जहाँ पे हम ये रिकॉर्ड करते हैं कि इंडिविजुअल कितना खा रहा है। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ईजी भी है बट टाइम कंज्यूमिंग ज़रूर है, लेकिन हमें बहुत सारा डाटा मिल जाता है इससे। टाइम एलोकेशन एक और तरीके का है। टाइम एलोकेशन में जो रिसर्चर है वो रेंडमली सिलेक्ट करता है जगह भी और टाइम भी, एंड देन वो रिकॉर्डिंग जो है उस पर्सन की पहले देखता है कि क्या कर रहा है वो, एंड देन और उससे पहले रिकॉर्डिंग दैट द पर्सन आर डूइंग व्हेन दे आर फर्स्ट सीन, पहली बार जब वो देखे गए हैं
तब रिकॉर्डिंग की जाती है एंड बिफोर दे सी यू, और इससे पहले कि वो तुम्हें देख लें उस समय आप रिकॉर्डिंग करते हैं या ऑब्जर्वेशन करते हैं। ये बहुत यूज़फुल टूल है, स्पेशली जब आप ये चेक करना चाहते हैं कितना परसेंट टाइम जो पीपल हैं वो पर्टिकुलर एक्टिविटी कर रहे हैं। जैसे कोई फैमिली के बारे में पता लगाना है आपको कि पेरेंट्स जो है वो बच्चों को कितना अटेंशन पे कर रहे हैं, उनके साथ कितनी देर खेल रहे हैं, कितना टाइम काम कर रहे हैं, कितना टाइम खाना खा रहे हैं, ये तो इसमें सैम्पलिंग प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। फर्स्ट थिंग जो है सैम्पलिंग प्रॉब्लम्स है ये कि जनरलाइजेशन जो होता है इन ऑर्डर टू मेक जनरलाइजेशन कैसे पीपल स्पेंड करते हैं अपना टाइम, उसमें बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव सैंपल चाहिए होते हैं। तो अब इतने सारे लोगों पे आप कैसे वॉच करेंगे टाइम टू टाइम, आप किसका दरवाज़ा खटका के पूछेंगे कि क्या हो रहा था कैसे, सो वो एक प्रॉब्लम आ सकती है, इतने सारे लोगों को कहाँ से इकट्ठा करेंगे। दूसरा कब हो रहा था वो एक्टिविटी, कैसे हो रही थी, कहाँ हो रही थी, ये सारा इसके बारे में भी प्रॉब्लम आती है कि आप कैसे ये सारे क्वेश्चनर करेंगे और कितने लोगों से करेंगे। और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इसका सोल्यूशन क्या है, नॉन रैंडम लोकेशंस पे जाना, नॉन रैंडम लोकेशंस को यूज़ करना, रैंडमली विजिट करना लेकिन उन लोगों को अलग अलग टाइम पे, मतलब नोन प्लेस पे जाना है लेकिन आप कभी भी चले जाओ, कभी सुबह चले जाओ, कभी शाम को चले जाओ, कभी रात में चले जाओ, ऐसे ऐसे करके अलग अलग टाइम पे आप उनको विजिट करो, तो आपको बहुत सारा डाटा मिल सकता है। अनऑब्ट्रूसिव ऑब्जर्वेशन, ये एक और तरीके का ऑब्जर्वेशन है जिसमें जो मेथड है बिहेवियर स्टडी का, जहाँ पे इंडिविजुअल जो है वो उसको पता ही नहीं होता कि उसके ऊपर वॉच की जा रही है, यानी आप छुप के उसको किसी को देखोगे उसको नहीं पता, जैसे कि जासूस करते हैं, स्पाइज करते हैं कि छुप छुप के करते हैं, हमें नहीं पता होता कि हमारे ऊपर जासूसी हो रही है, उस तरह का उसको बोलते हैं अनऑब्ट्रूसिव ऑब्जर्वेशन। सो इसमें जो ऑब्जर्वर है अपने सब्जेक्टिव सब्जेक्ट्स के बिहेवियर पे नज़र रखेगा, सो दैट क्योंकि उस सब्जेक्ट को नहीं पता कि उस पर वॉच किया जा रहा है इसलिए वो अपना बिहेवियर शो करता है। इसमें वैलिडिटी के इशू आ सकते हैं और बहुत सारे जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल्स के वो हमें लेना पड़ेगा सो दैट हम उस फाइंडिंग को जनरलाइज कर सकें। इनकी एक्सटर्नल वैलिडिटी थोड़ी वीक होती है और इसमें रेप्लिकेशन डिफ़िकल्ट है क्योंकि अब आप दोबारा रीचेक कैसे करेंगे उस चीज़ को जो आपने नॉन कन्वेंशनल मेजर्स यूज़ करके किया है, अब उसको रीचेक कैसे करवाओगे क्योंकि आपने तो छुप के नोटिस किया था, तो आपके पास इमीडिएटली प्रूफ आप जो ले पाएंगे उसके अलावा आप प्रूफ नहीं ले सकते उसका। एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक बिहेवियर का ऑब्जर्वेशन बड़ा डिफ़िकल्ट है लेना और उसको रेप्लिकेट करना तो और भी डिफ़िकल्ट है, ख़ासतौर से ग्रुप पार्टिसिपेशन में। मेन प्रॉब्लम जो इस मेथड में आती है वो ये आती है कि एथिकल इशू आ जाते हैं क्योंकि इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट लेना ज़रूरी होता है, प्राइवेसी में इन्वेजन नहीं होना चाहिए। अनऑब्ट्रूसिव रिसर्च जो ऑब्जर्वेशन है ये दो तरीके के होते हैं, बिहेवियर ट्रेस स्टडीज एंड डिसगाइज्ड फील्ड ऑब्जर्वेशन। बिहेवियर ट्रेस स्टडीज का मतलब है ये वो फाइंडिंग्स है जहाँ पे लोग जैसे किसी जगह पे रहते थे एंड वो अब इस जगह पे नहीं रहते, कहीं चले गए, तो आप पीछे से जाके उनके घर में तलाशी लेंगे और सारी चीज़ें ज़मीन वमीन खोद खोद के गार्बेज से हर जगह से इकट्ठे करेंगे सबूत चीज़ें, सो दैट आप उनका लिविंग स्टैंडर्ड जान सके, उनका तरीका जान सके जीने का। इसको हम वैंडलिज्म टू गार्बेज भी कहते हैं। आप उनके जो रिमेन्स है उससे आप स्टडी करके बताएंगे। ये एरिजोना गार्बेज प्रोजेक्ट एक था, यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना ने गार्बेज प्रोजेक्ट किया था, उन्होंने ट्रेस स्टडी की थी। ट्रेस स्टडीज़ में क्या किया था, एंथ्रोपोलॉजिस्ट और उनके जो स्टूडेंट थे उन्होंने एक घर के गार्बेज को डग किया और फाइंड आउट किया कि उनके फूड प्रेफरेंसेस क्या थे, वेस्ट बिहेवियर क्या था, अल्कोहल कंजम्पशन कितना था, ये सारी चीज़ें। टक्सन रेजिडेंट्स जो है उनके ऊपर की गई थी ये स्टडी और उन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन उन्होंने एक चीज़ बोला कि हमारा नाम नहीं आना चाहिए इसमें, उनके इंफॉर्मेशन, उनके आइडेंटिटीज़ जो हैं वो कॉन्फिडेंशियल रखी जाए, जबकि ये वाला जो है ये भी अनलॉफुल प्रैक्टिस ही है बिहेवियर ट्रेस स्टडीज़,
हम नहीं कर सकते हैं अनलेस हमें परमिशन ना हो. डिसगाइज्ड फील्ड ऑब्जर्वेशन जो होता है ये इस रिसर्च में जो है जो रिसर्चर है वो खुद ज्वाइन करता है, एक्चुअली मेंबर बनता है उस ग्रुप का और रिकॉर्ड करता है डाटा उस ग्रुप के बारे में, और ग्रुप को नहीं पता होता कि उनके ऊपर नज़र रखी जा रही है रिसर्च पर्पस की वजह से. जो ऑब्जर्वर है बहुत सारे रोल्स प्ले कर सकता है. फर्स्ट जो ऑब्जर्वर है वो डिसाइड कर सकता है कि वो कंप्लीट पार्टिसिपेंट बन जाए स्टडी के लिए, और जैसे कि जो मेंबर है वो हो सकता है खुद ही उस ग्रुप का पार्टिसिपेंट है, कंप्लीट पार्टिसिपेंट है, सो दैट वो स्टडी कर सके जो वो जिसके बारे में वो रिसर्च कर रहा है इस तरह से. या फिर वो ये भी कर सकता है कि वो डिसाइड करे कि वो पार्टिसिपेट कैजुअली करेगा ग्रुप में सिर्फ कलेक्शन के लिए, ऑब्जर्वेशन को जब उसे कलेक्ट करना है तभी. तो जो भी ग्रुप मेंबर्स के साथ उसका कांटेक्ट होगा वो एक्विटेंस की तरह होगा, एज अ मेंबर ऑफ ग्रुप नहीं होगा. तो दो तरह के हैं, एक तो मेंबर ऑफ ग्रुप बन जाए या फिर एज अ एक्विटेंस पार्टिसिपेंट बन जाए. सो तो जब आप उस मेंबर उस ग्रुप के एक्विटेंस होंगे तो आप ऑब्जर्वर पार्टिसिपेंट कहलाएंगे, आप उसका मेंबर पार्टिसिपेंट नहीं कहलाएंगे. अगर आप एक आइडेंटिटी डेवलप कर लेते हैं उस ग्रुप मेंबर्स के साथ और आप उसके ग्रुप एक्टिविटीज़ में लेकिन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो आप अपने आप को पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर कहेंगे. किसी कल्ट को जब आप ज्वाइन करते हैं लेकिन उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते तो उनके इम्पॉर्टेंट जो रिचुअल्स होते हैं उन पर आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, और आप हो सकता है उस कल्ट के जो मेंबर्स हैं उन पे वो आप पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट भी ना करें सारे के सारे मेंबर्स, और हो सकता है वो आप पे ट्रस्ट करें, तो कुछ भी हो सकता है. तो एथिकली पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर जो होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हो सकता है उनसे बहुत सारी चीज़ें छुपाई जाएं, बहुत हद तक चीज़ें छुपाई जाएं, क्योंकि वो ऑब्जर्वर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर जो है वो उस कल्ट का पार्ट नहीं है. सो ये बहुत सेंसिटिविटी का टॉपिक होता है और कॉन्फिडेंशियलिटी रखना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है इस इशू में. एक और ऑब्जर्वेशन है जिसको बोलते हैं एनालॉग ऑब्जर्वेशन. ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन का मेथड है बट ये केयरफुली स्ट्रक्चर्ड सेटिंग में होता है और स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया जाता है ये असेसमेंट. डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में तो ये नेचुरलिस्टिक सेटिंग में होता है लेकिन ये स्ट्रक्चर्ड सेटिंग में एनालॉगस ऑब्जर्वेशन होता है. एनालॉगस असेसमेंट जब होता है और ऑब्जर्वेशन जब होता है तो ये जो सेटिंग्स होती है ये स्ट्रक्चर्ड सेटिंग होती है. डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होता है बिहेवियर जो भी होगा उसका, और बहुत सारे प्रिंसिपल्स जो ऑब्जर्वेशन के थे जो हमने ऊपर पढ़े हैं उनको हमें फॉलो करना पड़ता है. एक और मेथड है सेल्फ मॉनिटरिंग का, जिसमें जो क्लाइंट है उससे कहा जाता है कि वो अपने एक्ट्स पे खुद ही नज़र रखे, उसको रिकॉर्ड करे इन्फॉर्मेशन को टारगेट बिहेवियर के बारे में, और सेल्फ रिपोर्ट बनाए सेल्फ रिपोर्ट प्रोसीजर की हेल्प से. और इसमें भी कुछ बेनिफिट हैं, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन जैसे ही बेनिफिट है. जो टारगेट बिहेवियर है उसको रिकॉर्ड किया जाता है जैसे वो होते हैं, और सेल्फ मॉनिटरिंग मॉनिटर किया जाता है, सेल्फ मॉनिटर डाटा बनाया जाता है. और इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इंसान भूलता नहीं है क्योंकि उसने उसी वक्त किया है वो काम. सो जो सेल्फ मॉनिटरिंग जब होती है उससे हमें बहुत प्राइवेट रेस्पॉन्सेस के बारे में पता चल जाता है और जो ऑब्जर्वेशन के थ्रू पॉसिबल नहीं होता. सेल्फ मॉनिटर डाटा जो होता है इसमें पोटेंशियल होती है कि वो बहुत ज़्यादा कंप्लीट होता है और ऑब्जर्वर ने खुद ही जो ऑब्जर्वर अगर वो चीज़ करता है तो उससे ज़्यादा बेटर ये होता है जब सेल्फ मॉनिटर डाटा होता है, क्योंकि सेल्फ मॉनिटर जो होता है वो पोटेंशियली जब अकर हो रहा होता है उस टाइम पर वो टारगेट बिहेवियर के बारे में नोट डाउन कर लिया जाता है. बहुत सारे फॉर्मेट हैं जिसमें सेल्फ मॉनिटरिंग की जा सकती है, जैसे डायरी फॉर्मेट है, ये बहुत कॉमन है, जो क्लाइंट को अलाउ करता है कि वो अपने पोटेंशियल इम्पॉर्टेंट बिहेवियर जो हैं किस एनवायरनमेंट में हो रहे हैं उसके बारे में उसको नरेट करे, नरेटिव वे में लिखे. तो पर्टिकुलर टारगेट बिहेवियर जो होता है उसको आइडेंटिफाई करना, क्लाइंट
यूटिलाइज कर सकता है उस डाटा कलेक्शन शीट्स को ही रिकॉर्ड करने के लिए, और स्पेसिफिक बिहेवियर टारगेट्स को, सिचुएशनल वेरिएबल को, ये सारी चीज़ें वो नोट डाउन कर सकता है, और अपने बिहेवियर को कितनी फ्रीक्वेंटली होता है वो बता सकता है, कितने लंबे टाइम तक होता है ये भी बता सकता है क्लाइंट, और वो नंबर ऑफ अकरेंसेस क्या है उनको एस्टिमेट भी लगा सकता है, किस कितने इंटरवल पे होती है ये भी बता सकता है, क्या टाइम में एंगेजमेंट होता है उसका ये भी बता सकते हैं, और ये डिज़ायरेबल भी होता है ये चेक करने के लिए, सेल्फ मॉनिटर डाटा की इंटीग्रिटी को चेक करने के लिए भी ये ज़रूरी भी है। और जब क्लाइंट अवेयर होता है अपने सेल्फ मॉनिटर डाटा के बारे में, तो वो एक्यूरेटली डाटा कलेक्ट करता है, क्योंकि उसको मालूम है कि वो खुद के लिए काम कर रहा है, और सेल्फ मॉनिटर डाटा जो है उसको हम डाटा जो एक्सटर्नल ऑब्जर्वर से हमने लिया था उन दोनों को कोरिलेट करके हम चेक भी कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, उसके टारगेट रेस्पॉन्सेस के बारे में पता लगा सकते हैं, जैसे कि कोई अल्कोहल कंज्यूम करता है तो उसको कंपेयर कर सकते हैं ब्लड टेस्ट से भी और जो उसने बताया उससे भी। डिसएडवांटेज क्या है कि अवेलेबल नॉर्म्स नहीं हैं हमारे पास इसके, और क्लाइंट की डिमांड के बारे में हमें थोड़ा सा कॉन्शियस रहना पड़ेगा, रिएक्टिव इफेक्ट भी हो सकता है क्लाइंट इरिटेट हो जाए उस चीज़ के लिए कि नहीं मैं नहीं करना चाहते ये ऐसी चीज़ें। डिसएडवांटेज मेजरमेंट के टर्म्स पे भी हो सकता है ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन वो एडवांटेजेस भी हो सकता है, क्योंकि रिएक्टिव इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो थेरेप्यूटिक डायरेक्शन की तरफ इशारा करते हैं, और डिज़ायरेबल बिहेवियर्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी बहुत फ्रीक्वेंट होने लगते हैं, क्योंकि उसको मालूम है कि उसको जज करना पड़ रहा है खुद को, तो वो कॉन्शियस हो जाता है। तो जब क्लाइंट चाहता है कि उसको वो अनडिज़ायरेबल बिहेवियर ना करे, तो ऑटोमेटिकली वो सेल्फ मॉनिटर करने लगता है अपनी एक्टिविटीज़ को, और धीरे धीरे डिज़ायरेबल बिहेवियर की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, अनडिज़ायरेबल की कम हो जाती है। टेम्परेरी इफ़ेक्ट ऑफ प्रोसीजर क्या हो सकता है कि क्लाइंट को सेल्फ रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, और वो ट्रीटमेंट में को मेंटेन करता रहेगा, ट्रीटमेंट उसका चलता रहेगा, क्योंकि वो जब खुद पे एक तरह से सेल्फ ट्रीट कर रहा है, अगर वो ऑब्जर्व कर रहा है खुद के बारे में। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप माई वीडियोज़ आर यूजफुल टू यू। इफ़ इट इज़ सो, देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ विद रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। Bye-bye.